टाइप दुर्गा पूजा पंडाल जो कि हर साल की तरह स्थल पर पंडाल पर बनाया गया है, देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरह से डेकोरेशन यहाँ पर किया गया है, अंदर में काफ़ी तरह से डिजाइन दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा क्राउड में यहाँ पर भीड़ है। मैं डेकोरेशन दिखाता हूँ आपको, काफी मस्त डेकोरेशन यहाँ पे किया गया है, हम लोग पंडाल की ओर एंटर कर रहे हैं, देख सकते हो एस टाइप दुर्गा पूजा पंडाल जो भी हर साल के रिश्ते बनाए गए हैं। फाइनली पंडाल की ओर एंटर कर चुके हैं, और मेरे पीछे भी आप देख सकते हो पंडाल के अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हो हरिओम नगर दुर्गा पूजा पंडाल। चलिए आपको अंदर के लिए चलते हैं, यहाँ का जो इस बार पंडाल काफी अच्छे तरह से बनाया गया आप देख सकते हो, लाइटिंग सजावट से इस बार न्यू डिजाइन है आप देख सकते हो, चलिए आप अंदर लेकर चलते हैं। फाइनली हम लोग सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे, देख सकते हो आप, चलिए आपको ऊपर की ओर लेकर चल रहा है, इधर अच्छे से डेकोरेशन लाइटिंग किया गया आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी दुर्गा माँ बैठा ही नहीं है, मज़े यहाँ बैठा जाएगा, इस बार की यूनिक डिजाइन से पंडाल को तैयार किया गया है देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया तरह से पंडाल को डेकोरेशन किया गया है, ऊपर के सजावट भी बढ़िया तरह से किया गया आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा डेकोरेशन यहाँ पे किया गया है। हरिओम नगर दुर्गा पूजा पंडाल, भव्य पंडाल छोटे से बनाया हुआ,
गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी मैं आ चुका हूँ आदित्यपुर होम नगर दुर्गा पूजा पंडाल, जो कि पंडाल हर साल की तरह इस साल भी काफ़ी अच्छे से बनाया गया। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं, उसको दिखाते पंडाल। पंडाल के अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हो हर होम नगर दुर्गा पूजा पंडाल। चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। यहाँ का जो इस बार पंडाल काफ़ी अच्छे तरह से बनाया गया, आप देख सकते हो लाइटिंग सजावट से इस बार न्यू यूनिक डिजाइन है, आप देख सकते हो आप। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। फाइनली हम लोग सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, देख सकते हो आप। तो चलिए आपको ऊपर की ओर लेके चल रहे हैं। इस बार अच्छे से डेकोरेशन लाइटिंग किया गया, आप देख सकते हो। यहाँ पे अभी दुर्गा माँ बैठा ही नहीं है, ये दो दिन बाद यहाँ बैठा जाएगा। और इस बार की यूनिक डिजाइन से पंडाल को तैयार किया गया है, आप देख सकते हो। काफ़ी बढ़िया तरह से पंडाल को डेकोरेशन किया गया है, ऊपर के सजावट भी बढ़िया तरह से किया गया, आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छा डेकोरेशन यहाँ पे किया गया है। हरिओम नगर दुर्गा पूजा पंडाल, भव्य पंडाल छोटे से बनाया हुआ पंडाल, काफ़ी अच्छे तरह से डिजाइन किया गया, आप देख सकते हो। ऊपर की यदि और मेरे पीछे भी आप देख सकते हो, पीछे आप देख सकते हो पंडाल कितने अच्छे से बनाया गया है, पंडाल को बनाया गया है, आप देख सकते हो। काफी अच्छे तरह से भी काम चल रहा है, इसका उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है, उद्घाटन कब होगा देखते हैं। देख सकते हो पंडाल कितनी अच्छी तरह से सजावट यहाँ पे किया है। पूरा गाइस पत्ते की तरह आप दिख रहे हैं, देख सकते हो आप। ढोलों का ग्रह सब देख सकते हो आप, डिजाइन किया गया है, देख सकते काफ़ी तरह से डिजाइन यहाँ पे किया गया है। पत्ते के जैसे पंडाल लग रहा है, ये देखिए जैसे आदिवासी लोग होता है उसी तरह से पंडाल को तैयार किया गया है, देख सकते हो।
सो गाइस फाइनली है एस टाइप दुर्गा पूजा पंडाल, जो कि सामने देख सकते हो कितनी बढ़िया से यहाँ पे तैयार किया है पंडाल। फाइनली हम लोग पंडाल को एंटर कर रहे हैं, देख सकते हो एस टाइप दुर्गा पूजा पंडाल जो भी हर साल से टाइप दुर्गा पूजा पंडाल के अंदर अभी तक प्रतिमा को नहीं रखा गया है, प्रतिमा कुछ दिन में रखा जाएगा, कुछ दिन में यहाँ पर रखा गया है। पंडाल की अब डेकोरेशन देख सकते काफी अच्छे से बनाया गया है। पंडाल के अंदर मौजूद हूँ, देख सकते हो पंडाल यहाँ पे क्या देख सकते हो, वहाँ के मैं दिखा रहा हूँ कुछ दिन में और दो दिन में मूर्ति माँ की प्रतिमा को रखा जाएगा यहाँ पे देख सकते हो। ऊपर की मैं डेकोरेशन दिखाता हूँ आपको, काफी मस्त डेकोरेशन यहाँ पे किया गया है। आपको टॉप टू पंडाल मैंने दिखा दी, आदिपुर एस टाइप दुर्गा पूजा पंडाल एंड हरिओम नगर दुर्गा पूजा पंडाल। यदि आपको कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताना आपको दुर्गा पूजा का पंडाल ब्लॉग आपको कैसा लगा, और चैनल में नया तो सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, और हम लोग सीधे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।